देखिए, आज मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देने लगा हूँ। हमारे बहुत से लोग जिनको गर्दन में, कंधों में दर्द की शिकायत रहती है, खिंचाव की शिकायत रहती है, वैसे तो बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, वर्जिशें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, आपको करनी चाहिए, वो भी आप करते रहें। लेकिन मैं एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूँ, वो अगर आप दिन में दो दफ़ा कर लें तो आप समझिएगा कि आपके जो शोल्डर गर्डल के मसल्स हैं और जो नेक के मसल्स हैं, ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है, पुराने ज़माने की जो हमारी लाइफ स्टाइल था, उसके अंदर कुंडियाँ ऊपर लगी होती थी तो हम कंधा ऊपर कर लिया करते थे। फिर इसी तरह बहुत सारे काम थे, चीज़ें हमारी छतियों पे पड़ी होती थी, वहाँ से हम उठाया करते थे, तो हमारे जो कंधे थे कभी ऊपर कभी नीचे जाया करते थे। अब हमारा लाइफस्टाइल ये है कि हमारे जो कंधे हैं, हम या ये काम कर रहे होते हैं या हम फ़ोन को उठा लेंगे और यूं कर दें, तो हमारे कंधों को रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइज नहीं मिलती। तो मैं लंबी बात किए बगैर जस्ट आपको एक हल्का सा टिप दे देता हूँ कि आप दिन में दो दफ़ा ये कर लिया करें। आप अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, ये, और ऊपर ले जा के आप ये ध्यान में रखें कि जिस तरह आप बल्ब उतार रहे हैं और आपका हाथ बल्ब तक पहुंच नहीं रहा, आप जोर लगा रहे हैं, ये पूरा जोर लगाया आपने, ये आप यकीन जाने आप करके देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पट्टे जो है ना आपके, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। और आपने यूं यूं नहीं करना, आपने पूरा हाथ ऊपर ले जा के यूं यूं करना है। तो दो बल्ब आप सुबह उतार लिया करें और दो बल्ब शाम को उतार लिया करें। आई कैन श्योर यू कि शोल्डर का इशू आपको नहीं होगा। और दूसरी एक्सरसाइज, आप दोनों हाथ यूं कर लिया करें और आप समझें कि मेरे हाथ में चाबियां हैं और मैंने दो ताले खोलने हैं, ये आप कर लिया करें, ये अगर आप दिन में, अच्छा खासा जोर लगता है, अगर जोर ना लगे तो इसका मतलब है वर्जिश आप ठीक नहीं कर रहे। तो ये अगर एक्सरसाइज आप दिन में दो दफ़ा कर लेंगे सुबह और शाम, एक तो आपका दिन फ्रेश गुजरेगा और ऐसे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर का कभी इशू होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला, ख़ास तौर पे जो हमारे डायबिटिक लोग होते हैं। टेक केयर, इफ़ यू लाइक डू फॉलो दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।